सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोरोना वायरस को लेकर के आइसोलेशन वार्ड अलग चिन्हित कर लिए गए हैं और वहां पर उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था लगभग 30 बेड की उन्होंने वहां पर व्यवस्था कर रखी है। एक उसके अलावा भी और एक स्थान पर उन्होंने 12 बेड की व्यवस्था कर रखी है और जिन्हें क्वारंटाइन में जाने की जरूरत होगी लोक निर्माण विभाग में उसकी व्यवस्था करके रखी गई है कि ऐसे यदि आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर हम उनको भेजेंगे। और मेडिकल कॉलेज के भीतर भी वहाँ पर भी 30 बेड की व्यवस्था रखा गया है कि जहाँ पर यदि ऐसे मरीज आते हैं तो उनको रख करके और उनके इलाज की व्यवस्था किया जाए, पर्याप्त मात्रा में उनके इलाज की जो दवाएं अभी संभावित हैं उसकी व्यवस्था है। वहाँ पर अलग से मैंने आज कहा है कि उनके लिए जो ऐसे पेशेंट आते हैं उनके लिए अलग एक एक्सरे मशीन लगा दी जाए जिससे कि उनको इन्फेक्शन न हो। ज़रूरत पर जितनी आवश्यकता होगी उन्हें वेंटिलेटर के लिए तो वेंटिलेटर की भी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी ऐसे मरीजों का मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जा रही है। जहां पर कोरोना वायरस को लेकर सरकार सतर्क है, लगातार दिशा निर्देश दे रही है, वहीं कई यहां सहारनपुर में टेक्निकल कॉलेज है, कई स्कूल है जो अभी तक खुले हुए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देते हैं? देखिए सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला राज्य सरकार का आ चुका है और जिला प्रशासन को यह हम लोगों ने निर्देश दे रखे हैं तो ऐसे सभी विद्यालयों को बंद करने का व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि कहीं ऐसा है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और उसे बंद किया जाएगा। सर, जहाँ भीड़ इकट्ठा होने की बात की जाती है, लेकिन वही अगर हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक महीने तक के लिए सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो न्यूनतम अब ऐसे स्थानों पर आए। हमारा उनसे आग्रह होगा कि वो अपने घरों पर रहें, वो स्वस्थ रहें, वो सुरक्षित रहें। जब वो स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा काम भी होगा और जनता से भी अनुरोध है कि उन्हें स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि अनावश्यक वो ऐसे भीड़ भरे स्थानों पर न आए। कचहरियों में भी तारीखें दूर की डाली जा रही हैं, वहाँ पर भी इस बात को कोशिश की जा रही है कि वो रेगुलेट कर दिए जाए। खुद माननीय उच्च न्यायालय ने 3 दिनों के लिए अपने हाईकोर्ट को बंद कर रखा है। नीचे भी उन्होंने इस बात का अनुरोध किया है कि जबकि बहुत आवश्यक सुनवाई न हो उसकी तारीखें थोड़ी देर से लगाई जाएं। तो स्वाभाविक है कि जो जागरूक हैं, सभी जागरूक संस्थाएं इस पर चिंता व्यक्त कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 माह तक के लिए सभी सार्वजनिक कार्यक्रम उसको स्थगित कर दिया है और इस नाते ऐसे कार्यकर्ताओं से भी मेरा आग्रह है कि वो अब कम भीड़ भरे जगहों पर जाएं। माननीय जी, आपने हाईवे निर्माण के बारे में बात कही, लेकिन पिछले 3 सालों से हाईवे निर्माण की गति सुस्त है, ये शायद इस कार्यकाल में गुजर जाए। मैं तो देखा बहुत तेज गति से कई जगहों पर काम हो रहा है। अभी मैं आया देहरादून से उस दिन, तो इतनी तेज गति से काम हुआ है जो मैं 3-4 महीना पहले गया था और तब और अब में तो क्रमशः ही होगा ना, तो क्रमशः ही बनेगा। माननीय मंत्री जी, आपने अभी भारत सरकार के मानक की बात कही कि 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए जेलों में। उत्तर प्रदेश की लगभग सभी जेलों में उसकी जो क्षमता है उससे दोगुने कैदी है, उनके लिए आप क्या प्लानिंग है उत्तर प्रदेश सरकार की? क्या जो बाहर से मुलाकाती है उनके लिए व्यवस्था की गई है या उनकी मुलाकातियों से अनुरोध है कि वो मुलाकात करने के लिए अभी ना आए? क्षमता का क्या करें जब तक कोई बहुत अपरिहार्य परिस्थिति न हो और जेल के भीतर जो वर्तमान हमारे संसाधन हैं उनके भीतर वो व्यवस्था की जाएगी जैसे दुनिया बनी रहे।
और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।